जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते? और लाइक आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, पीएसएल के अंदर हिंदुस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, ये था कि जैसे पहले तो वहाँ होना, तो उन्होंने पाकिस्तानी जी पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं। मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। बुनियादी जो वजह अगर वन जी वर्ड में जी बयान की जाए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल क्यों नहीं खेलते, तो वो मुंबई अटैक है। मुंबई अटैक के बाद ही ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेले और ना ही पाकिस्तान और भारत की कोई सीरीज हुई, ना पाकिस्तान भारत किया ना भारत पाकिस्तान आया। तो इस तरह मुंबई अटैक की वजह से नुकसान उठाना पड़ा दोनों ममालिक की क्रिकेट को, और जो क्रिकेट लवर थे वो बड़े मायूस हुए। अब मुंबई अटैक के हवाले से मैं इसकी ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो एक पोलिटिकल मैटर है, पोलिटिकल इशू है, लेकिन हमने अगर बात करनी है कि वो क्यों नहीं खेलते, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई अटैक वजह है। इधर मोदी की हुकूमत है और बीजेपी की हुकूमत है, उस वक्त तो वक्त तक तो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो कांग्रेस की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से वो खासी नरम है मोदी की हुकूमत के मुकाबले में। तो अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि क्रिकेट के दरवाजे दोबारा से खुलेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान सीरीज भी होंगी और पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल भी खेलेंगे। आईपीएल ना खेलने से पाकिस्तान के प्लेयर को भी नुकसान है, तो वाइस वर्सा अगर हम देखें तो पीएसएल ना खेलने से, दीगर बाहर की लीग ना खेलने से इंडियन प्लेयर को भी तो नुकसान है। हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है वो मोदी साहब ना, उसको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है, ये नहीं समझते सारे इंसानी। पाकिस्तान में जितने भी लोग आईपीएल को देख रहे हैं ना, उनको फौरन से आईपीएल का बायकॉट कर लेना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जाता और आईपीएल जो है पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने पे तुली हुई है। भाई ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कहना है पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी जावेद मियांदाद साहब का। जावेद मियांदाद है, अब वो जावेद मियांदाद की मैं बात सुन रहा था, वो भाईजान क्या है, वो तो पागल है, वो तो मैं उस बंदे को लेजेंड तो है लेकिन यार क्या लेजेंड है, फजूल बातें करता है बैठ के। लेकिन इसके पता नहीं इंडिया के साथ मसला क्या है भाई जान, ये जब भी बात करता है अगेंस्ट इंडिया की बात होती है, कहता है आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को जाना ही नहीं चाहिए। अगर कोई फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुलाता भी आईपीएल में, तो पाकिस्तान को आईपीएल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में जुआ चलता है, सट्टा चलता है, जो है वो हराम की कमाई चलती है, जो है वो फिक्सिंग होती है आईपीएल में। ये जुबेर मियांदाद कह रहा है, कहते हैं हम मुसलमान है हमें नहीं जाना चाहिए। बेटा मुसलमान तो हो, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रोजा भी है, लेकिन कम से कम मैं सच्चाई का साथ तो देता हूँ ना। मैं बड़े लोगों को चुपता हूँ भाई, मैं बड़े लोगों को चुपता हूँ लेकिन मैं सच बोलता हूँ। लेकिन मैं किसी से पैसे लेके किसी के हक में बात नहीं करता, या किसी से पैसे लेके किसी के अगेंस्ट बात नहीं करता मैं, ठीक है। और वो तो मुझे लगता है वो कभी भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस है। ओके, हमारे जो है कंट्री हमारी अपनी गवर्नमेंट अपना है ना, ये क्रिकेट बोर्ड प्राचीन मतलब जो हमारी पीसीबी है जी जी। वो उसके अंदर कई इजाजत लेनी होती है, आपने जाना होता है और आप जा सकते हैं। अगर आप क्रिकेट यहाँ के नहीं है और उतने नहीं है तो आप अपने आप भी जा सकते हैं। जाते थे पहले, तो ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत है बहुत जाके लोग बुलाते थे अपने अपने बेनिफिट में, दबा के बेनिफिट होते थे उधर से। जावेद मियांदाद साहब जो आजकल बड़े ही जो गर्म नजर आ रहे हैं आईपीएल को लेके, इससे पहले भी जो उन्होंने कई बार जो ऐसे बयान दिए, इससे पहले ये भी बोला था कि जो वो पीएसएल एक क्वालिटी लीग है और आईपीएल जो है वो उसमें वो क्वालिटी हमें मिलती नहीं है। अब जो है वो ये बोल रहे हैं कि अगर आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जाता, ये बात जावेद मियांदाद ने हरभजन सिंह ने जो ट्वीट किया था ना उसके जवाब में बोली है। तो आपको बताया कि एक पाकिस्तानी ने ट्वीट किया हुआ था कि भाई विराट कोहली और बाबर आजम को आरसीबी की जर्सी में, शाहीन को और बुमराह को मुंबई इंडियंस की जर्सी में, और रिजवान और एमएस धोनी को सीएसके की जर्सी में, और उसने लिखा हुआ था कि हर एक पाकिस्तानी और इंडियन का ये ख्वाब है कि ये सारे जो हम इकट्ठे आईपीएल में खेलते हुए देखें। जिसपे हरभजन सिंह साहब ने जो है उसको रिट्वीट किया हुआ था और रिप्लाई किया हुआ था, इनके ट्रोल किया हुआ था कि भाई ऐसा इंडिया में किसी का भी ख्वाब नहीं है भाई, और आप जो वो खुली आंखों से ख्वाब ना देखो, आप छोड़ दो ये ख्वाब देखना, हम नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में खेलें। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को लेके साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, टेक इन तुम लोग हम ये करेंगे, ऐसे ही आपके अंदर ट्रेड होती है ना, और हम निर्भर हैं, दोनों बड़ी ट्रेड अच्छी कर सकते हैं। यस, मगर हम तो हमेशा तैयार है, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार है और बोलते भी याद है, मगर जब मोदी जैसे लोग आके और इस तरीके से इनसे शाल वाली बातें करेंगे तो फिर कोई भी उसको यानी कि ले नहीं सकता। सही। और मतलब लाजी बात है, क्राउड भी जो है ना उनका भी है ना सारा माइंड और सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है। ओके। फिर हर आदमी भी ये कहता है आप जाने के लिए आप नहीं जाओगे क्योंकि पब्लिक आपके पीछे पड़ जाएगी। आईपीएल में जाओगे देखा गया आईपीएल बहुत फिक्स हो गया, ऑब्वियस है वो नजर आ रहा है।
आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं, हर मैच आखिरी ओवर तक जा नहीं सकता, ये एक फिक्सिंग वाला मैटर जो है। देखिए हमारे हम तो हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज जायज नहीं, जायज ही नहीं, हराम है, हराम है ना। हाँ बिल्कुल, तो वो कर रहे हैं उनके लिए जायज है, हमारे लिए हराम है, तो वो करते हैं तो उनका पता भी चल जाता है, बिल्कुल पता चल रहा है, तो ये इसीलिए आगे जाके और पता चलेगा, क्योंकि ये चीजें जब बुराई जो है ना आगे जाके भी आती है, अगर इन्होंने बुराई किससे कर रहे हैं, अवाम से, 100 करोड़ की अवाम से कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही, तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। तूने जो बात किया कि हम मुसलमान हैं हमें आईपीएल में नहीं जाना चाहिए, आईपीएल में जाके उधर जुआ चलता है, हराम की कमाई होती है, फिक्सिंग चलती है, तो फिक्सर कहां से निकले हैं सबसे पहले? 2010 की जो फिक्सिंग थी वो किस तरह किधर से निकली थी? वो पाकिस्तानी प्लेयरों ने की थी ना। अभी पीएसएल में 4-5 साल फिक्सिंग चलती रही है, कुछ प्लेयर्स भी पाकिस्तानी बाहर हुए हैं, उमर अकमल ये सारे जो है वो प्लेयर जो है वो शर्जील खान ये सारे बाहर हुए हैं आईपीएल फिक्सिंग की वजह से। तो पुत्र अपने अपने आप को साफ दिखाने के लिए, अपने आप को पाक दिखाने के लिए किसी दूसरे पे इल्जाम लगा देना, मुझे लगता है ये फिर ये किस पर नाम के मुसलमान हो ना बस, फिर और नाम के मुस्लिम वाला टैग लेके चल रहे हो, बातें आप में एक भी इंसान वाली नहीं है यार। मानो है इस बात को क्यों नहीं मानते आप लोग कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, हम आईपीएल का मुकाबला कभी चाहते भी नहीं कर सकते, इस बात को मान लो यार, क्या जाएगा आपका इसको मान लेने से क्या जाएगा? आईपीएल में अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है तो पाकिस्तानी लोगों को आईपीएल का बायकॉट करना चाहिए और आईपीएल को देखना ही नहीं चाहिए। कल को आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलें या पीएसएल में हिंदुस्तानी खिलाड़ी खेलें, तो दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री को ज्यादा फायदा होगा क्रिकेट के हिसाब से? नहीं देखिए, फायदा तो लाजिम है, क्रिकेट की टीम जिसकी अच्छी होगी उससे खेलेंगे, खेलते आए, पहले हम लोग खेलते थे भारत, अक्सर है ना बेनिफिट मैचेस होते थे, इंडियन प्लेयर भी होते थे, पाकिस्तानी भी होते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि प्लेयरों में कोई बात नहीं, अगर आज हम इंडिया से खेलें, जब हम इंडिया जाते थे इंडिया पूरे पता ही नहीं है, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, सब बुला रहे हैं साथियों, हम पता ही नहीं चलता कि अवाम जो है हम मतलब इतनी नाराज है या अवाम के अंदर कुछ चीज भरी हुई है। और यही चीज उनका था, जब वो पाकिस्तान आते हैं उनको पूछेंगे पाकिस्तान में लोगों ने मतलब किस तरीके से राइट वेलकम थे, हर जगह जाते थे, खाने खाते थे, रिसेप्शन होते थे, तो ये तो होना चाहिए, खासकर हम नेबरों को तो ये चीजें मिलजुल कर होनी चाहिए। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, रमेश राजा कहता है यार 200 करोड़ में बिकेगा आईपीएल में, उतर ये 10,000 पाउंड में नहीं बिका दी 100 में। रमेश राजा तुधड़ तूने जो बात की है ना इसकी मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आई कि पाकिस्तानी प्लेयरों के ना होने की वजह से आईपीएल में बॉलिंग स्टैंडर्ड बुरे हैं। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, जितने भी बॉलर हैं, मोहम्मद शामी, ये जितने भी बॉलर हैं, बेटा ये घर से लेके आए हो आप लोग? आ ना बाबर आजम इनको खेलता वर्ल्ड कप में, क्यों नहीं खेला? आईपीएल में बाबर आजम इनको खेलेगा, मतलब शक्ल है, मतलब यार वो बात क्या करो जिस बात में थोड़ी सी लॉजिक बनती हो। ठीक है, मुझे बार बार ये बात करना पसंद, मुझे यकीन करो मेरा दिमाग, मैं खुद पाकिस्तान में तप रहा था दिमाग, यार क्या फजूल बातें करते रहते हो, किसी को लॉजिक ही नहीं बनती। घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, मेरे घंटे के किंग। ये रमेश राजा भी ना बाबर आजम का चमचा है, उस दिन एक इंटरव्यू में कह रहा बाबर आजम अगर लड़की होती तो मैं बाबर आजम से शादी कर लेता, इसकी भाई जान की अंदाजा लगा लो, इनकी ठरक का अंदाजा लगा लो, उठाने के तरीके चेक कर लो इनके।